Welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Linear equation in two variable. In earlier session we have done some examples or question for the exercise 4.2. Now today we have to start with question number 12, in which given that if x is equal to 2k minus 1 and y is equal to 3k plus 1, what we had given? यहाँ पे हमारे पास x and y है. X is equal to 2k minus 1 and y is equal to 3k plus 1. Then given that, then find the value of k. What we have to find? We have to find the value of the k. हमें k की value find करनी है by using the x and y. Where we have to use x and y? Let's read the other question, other part of the question. Find the value of the k in the linear equation. देखिए यहाँ पे हमारे अब linear equation दे रखी है. So what we have done? हमारे देखो x और y हमें given है. If x and y, हमें x और y की values given है, then find the value of the k. What we have to find? We have to find the value of the k by using the x and y in the linear equation. ये जो हमारी linear equation है, इसमें हमें x और y की values use करके k की value find करनी है. What we have to find? We have to find the value of the k by putting the x and y in this linear equation. Linear equation is 3x minus 2y minus 8 equal to 0. And one more part of the question is also find the actual value of the x and y. Now what we have to do? We have to again find the value of the x and y. X or y ki value hume fir se find karni hai. So basically question is that what we have to use? We have to use the x and y's in the linear equation by replacing the x and y given in the question only. Jo hume question mein x or y de rakha hai, उसी को हम यूज करेंगे इस लीनियर इक्वेशन में फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द के. के की वैल्यू फाइंड करने के लिए नाउ बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ द के इन एक्स एंड वाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई. एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर इक्वेशन विच इज 3x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. हियर वी हैव द लीनियर इक्वेशन. ये है हमारी लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. देखिए हियर वी हैव टू वेरिएबल. यहाँ हमारे पास क्या है? टू वेरिएबल है. x एंड y आर द टू वेरिएबल. सो बाय यूजिंग द x एंड y गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन में x और y गिवन है, उनकी हेल्प से हम इसमें k की वैल्यू फाइंड करने के. देखिए 3. नाउ रिप्लेसिंग x विद द 2k माइनस 1. 2k माइनस 1 से हम रिप्लेस करेंगे x को. देखिए देन वी हैव नेगेटिव ऑफ 2 एंड y. व्हाट इज द y? y इज द 3k प्लस 1. सो रिप्लेसिंग द y बाय 3k प्लस 1. देखिए x और y जो भी था हमारे क्वेश्चन में गिवन है, 2k माइनस 1 एंड 3k प्लस 1 से हमें रिप्लेस कर दिया. देन इन लीनियर इक्वेशन वी हैव माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0. देखिए ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन आफ्टर द रिप्लेसिंग द x एंड y गिवन इन द क्वेश्चन. देन लीनियर इक्वेशन इज द 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2k माइनस 1 देन माइनस ऑफ 2 देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3k प्लस 1 देन माइनस 8 इक्वल टू 0. देन व्हाट वी हैव टू डू नाउ? वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 एंड माइनस 2 इनटू द होल ब्रैकेट. जो भी हमारे ब्रैकेट में टर्म्स है उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए 3 इंटू 2k. इनिशियली वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 इंटू 2k. देन नेगेटिव साइन इज हियर, देन पुट नेगेटिव साइन. देन 3 इंटू 1. 3 इंटू 1 ये हमारा पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन हो गया. देखिए 3 को सबसे पहले 2k के साथ मल्टीप्लाई किया. हियर 3 इंटू 2k ये हमारा आ गया फर्स्ट, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन. देन 3 इंटू 1 ये हमारा आ गया सेकेंड मल्टीप्लीकेशन. 3 इंटू 1 अब जो भी यहाँ पे साइन है वो हमारा यहीं पे यूज होगा. इफ हियर देर इज एन पॉजिटिव देन विच वी हैव टू यूज हियर इज पॉजिटिव एंड इफ हियर इज नेगेटिव देन वी हैव टू यूज हियर इज नेगेटिव. यहाँ पे भी हमें नेगेटिव यूज करना पड़ेगा. देखिए देन वी हैव माइनस ऑफ 2. माइनस ऑफ 2 सो माइनस ऑफ 2 इज द मल्टीप्लाई फॉर बोथ द टर्म्स इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ ये माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा. सो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन है. Here we have universal positive sign. If the sign is not given here, देखिए कोई भी quantity हो, अगर उसके prior में कोई sign coefficient में sign defined नहीं कर रखा है तो हम उसे positive ही assume करेंगे. देखिए जैसे हमारे पास है 8 minus 8, ये कोई term है.
देखिए हियर वी हैव नेगेटिव, हियर वी डोंट हैव एनी साइन, सो वी एज्यूम एज इज ए पॉजिटिव। यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव साइन एज्यूम करेंगे, सो फाइनल रिजल्ट विल बी जीरो। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव साइन एज्यूम करेंगे। सो देखिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इफ द प्लस माइनस देन द माइनस, हियर इज द पॉजिटिव, माइनस माइनस इज द पॉजिटिव, देन इफ द साइन आर डिफरेंस देन द नेगेटिव। देखिए सिमिलर साइन का मल्टीप्लीकेशन हो तो पॉजिटिव आएगा, सिमिलर साइन का मल्टीप्लीकेशन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर साइन डिफरेंट है, वन इज प्लस और अनदर इज द नेगेटिव, देन नेगेटिव शुड बी द फाइनल रिजल्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए, नेगेटिव ऑफ टू एंड पॉजिटिव ऑफ थ्री के, माइनस प्लस इज द माइनस, सबसे पहले तो माइनस आएगा, देन टू इंटू थ्री के यही होगा, देन देखिए माइनस टू इंटू वन, अब ये जो है बाहर है ब्रैकेट में सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये थ्री के साथ में भी और वन के भी साथ में भी है। देखिए माइनस टू इंटू पॉजिटिव ऑफ वन, माइनस प्लस इज दी माइनस, माइनस टू इंटू वन यही आ जाएगा हमारा रिजल्ट, देन वी हैव फाइनल माइनस एट। फिर हमारे पास क्या है, माइनस एट है विच इज इक्वल टू जीरो, होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो। सो यही हमारा हो गया आफ्टर रिप्लेसिंग द एक्स एंड वाई एंड द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास यही आ गया। फिर देखिए थ्री इंटू टू के, हमारे पास इधर टू के की क्वांटिटी और इधर थ्री की है, सो थ्री के मल्टीप्लाई टू टू विच इज सिक्स, सो फाइनल वी हैव सिक्स के, सिक्स के आ जाएगा। देन वी हैव थ्री इंटू वन, वॉट इज थ्री इंटू वन इज द थ्री, देन वी हैव टू इंटू थ्री के, नेगेटिव ऑफ टू इंटू थ्री के, टू इंटू थ्री विल बी द सिक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स क्या आ जाएगा। अब देखिए थ्री इंटू टू सिक्स, देन टू इंटू थ्री इज दी सिक्स, देन वी हैव माइनस टू एंड माइनस एट इक्वल टू जीरो, यही आ जाएगी क्वांटिटी हमारे पास। फिर देखिए सिक्स के एंड माइनस सिक्स के, देखिए हमारे पास एक्चुअली था क्या, थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस एट, थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस एट, एक्स हमारे पास गिवन है 2k minus 1, which is replaced by the 2k minus 1, and y replaced by the 3k plus 1, 3k plus 1. So here we have positive of 3, positive है 3 का, 3 into 2k is the 6k, then 3 into 1 is the minus 3, then 2 into 3, minus and positive, minus of 2 get multiplied to 3k, then negative of 6k, then minus 2 and minus 8 equal to 0. अब यहाँ पे देखिए अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, सो प्लस सिक्स के एंड माइनस सिक्स के बोथ गेट कैंसल टू इच अदर, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे इच अदर से, देन वी हैव माइनस थ्री माइनस टू एंड माइनस एट, देखिए माइनस टू एंड माइनस एट इज दी टेन, देन वी हैव माइनस थ्री, सो माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो, वॉट वी हैव माइनस थर्टीन, तो यही हमारा है फाइनल आंसर माइनस थर्टीन। माइनस थर्टीन जो आ जाएगा वो हमारा आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन इज द रिजल्ट, माइनस थर्टीन ये हमने यहाँ पे यूज कर ली। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, माइनस थर्टीन इज द फाइनल रिजल्ट, हमें ये सॉल्व करने के बाद माइनस थर्टीन है वो फाइनल रिजल्ट आ गया। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, यहाँ पे हमें एक्चुअली करना क्या था, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट हियर k is getting cancel, जो हमारा k है वो cancel हो रहा है, देखिए plus of 6k and minus of 6k, so k is the cancel and k is the zero, zero हो जाएगा, so k की value ही नहीं मिल रही है, it is not the zero, but we don't have any value of the k, k की कोई value भी नहीं है, so we cannot find the further x and y, जो हमारा x और y है उसको भी हम find नहीं कर सकेंगे, because we don't have the value of the k, k की कोई भी value नहीं है, so we cannot find the value of the x ky, x and y, because x and y we have k as a variable, x or y में जो equation है हमारे k है variable आ रहा है, we have to put the value of k for finding the x and y, जो x और y है उसमें k की value हमें रखनी ही पड़ेगी तभी हमारे x और y की value मिलेगी, so in this question we don't have the any value of the k, so we can write as the above question, For the above question, solution is not possible. जो solution है वो हमारा not possible है,
और रीजन में आप क्या लिखेंगे, रीजन बिकॉज बिकॉज वी डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ k, k की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, तो हमारा सॉल्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 4.2. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 इन विच गिवन दैट इफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x प्लस 14y प्लस 8 इक्वल टू 0 इज k स्क्वायर कॉमा k. व्हाट वी हैड गिवन इन क्वेश्चन, कि जो सॉल्यूशन है उस लीनियर इक्वेशन के वो k स्क्वायर बाय k है. व्हाट इज द x हियर, x इज द k स्क्वायर एंड y इज द k. इन अर्लियर सेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x कॉमा y की फॉर्म में होते हैं. सो हियर वी हैव k स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ x एंड y वी हैव k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k. हमें क्या करना है बेसिकली, k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो देखिए 6x प्लस 14y प्लस 8 इक्वल टू 0 वो हमारी लीनियर इक्वेशन है जो जिसमें हम क्या करेंगे, x और y को रिप्लेस करेंगे बिकॉज दे आर इट्स सॉल्यूशन, ये इसके क्या है सॉल्यूशन है. सो रिप्लेसिंग दी x इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू k, देन वी हैव प्लस 8 इक्वल टू 0, इससे हमने रिप्लेस कर दिया. फिर देखिए 6k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 8, अब हम क्या करेंगे इसमें 2 का डिवीजन देंगे, 2 का डिवीजन यहाँ पे भी और वहाँ पे भी. देखिए 6k स्क्वायर, अब 2 का इसमें डिवाइड दिया तो क्या आएगा हमारे पास फाइनल 3k स्क्वायर, देन हियर वी हैव 7k एंड हियर वी हैव 4, यहाँ पे भी 2 का डिवीजन होगा तो क्या आएगा 4 विच इज इक्वल टू 0. फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के कैन वी यूज द श्रीधर आचार्य मेथड, जो श्रीधर आचार्य मेथड है उसका हम यूज ले सकते हैं या श्रीधर आचार्य ने लेके तो SMT भी यूज ले सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब देखिए बाय द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज में लेते हैं. सो थ्री कॉलम सिस्टम, देखिए 3 × 4 इज इज ऑफ पॉजिटिव 12, देन इन मिडल वी हैव 7, हियर वी हैव ऑल्सो पॉजिटिव. देखिए इफ द साइन आर द सेम, अगर साइन हमारे सेम होते हैं तो ये डिक्रीजिंग होती है 6, 5 and 4, 1, 2 and 3, 4 × 3 इज द 12, 4 × 3 हमारे क्या 12 है. इफ द साइन आर प्लस एंड प्लस देन इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो उसका भी साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. देखिए फिर 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0, यही आएगा हमारे पास. फ्रॉम हियर वी गेट k एज ए कॉमन, k को हम कॉमन लेते हैं, देन 3k प्लस 4, देन फ्रॉम हियर वी गेट पॉजिटिव ऑफ 1 एज ए कॉमन, 3k प्लस 4, यही क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास. देखिए होल इक्वल टू 0, 3k प्लस 4 एंड 3k प्लस 4, अब इन दोनों टर्म्स में से हम 3k प्लस 4 को कॉमन ले सकते हैं. फ्रॉम हियर वी गेट 3k प्लस 4 कॉमन, रिमेनिंग इज दी k प्लस 1, हमारा k प्लस 1 क्या है रिमेनिंग है. देखिए ये होल इक्वल टू क्या है हमारे 0 है, देन नाउ वी कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ दी k, अब हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग इट टू दी 0, 0 के इक्वेट करके. देखिए 3k प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हम 0 के इक्वेट, देन इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे. देखिए 3k प्लस 4 इक्वल टू 0, व्हाट इज द 3k, 3k विल बी माइनस 4, देन फाइनली k विल बी माइनस 4/3, यही हमारा आ जाएगा माइनस 4/3, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द k, देन वी हैव k प्लस 1, देन k इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 एंड सेकेंड वैल्यू इज द k इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13 इन विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द k बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, जो ये लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन यूज करके हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. इनिशियली हमने क्या किया, रिप्लेस दी x एंड y बाय दी k स्क्वायर एंड k रेस्पेक्टिवली, जो मैं x और y थे उसको हम रिप्लेसमेंट किया k स्क्वायर एंड k से. फिर फाइनली वी हैव यूज दी SMT, व्हाट इज दी SMT, SMT इज दी स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, जो मिडल टर्म में हम उसे स्प्लिट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो बेसिकली हमारे पास 3k प्लस 4 एंड
के प्लस वन, लास्ट में फाइनल रिजल्ट आया, देन बाय इक्वेटिंग इट टू द जीरो वी गेट के इज इक्वल टू माइनस फोर बाय थ्री एंड के इज इक्वल टू माइनस वन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13. सो टुडे वी आर एंडिंग अवर सेशन. नाउ नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसे आप ट्राई कीजिएगा. जो क्वेश्चन 14 है वो आपका सिमिलर है क्वेश्चन 12 से. उसमें भी आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, इसमें भी आपके लीनियर इक्वेशन है. सो क्वेश्चन 14 यू हैव टू डू, ये एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे. सो वी आर एंडिंग अवर सेशन. थैंक यू क्लास.